ओके, बाइबल बड़ा स्पष्टता के साथ बोल रहा है कि किसी चीज का रक्षा करो, सबसे अधिक किसी चीज का रक्षा करो, किसका? हृदय की। ओके, उसको हम पढ़ेंगे जल्दी से। नीति वचन 4:23। हाँ, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। सबसे अधिक, सबसे अधिक यहाँ पर है हृदय की रक्षा। सबसे अधिक, सबसे अधिक क्या करेंगे आप? अपने हृदय की रक्षा कर। हृदय की रक्षा करें। वाह 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 वाह, आगे। क्योंकि, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वाह 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 वाह, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। उसका मतलब आप जीवन में जो कुछ पाने वाला है हृदय से पाएंगे। सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यानी जो सोर्स है, एक व्यक्तित्व को जो सोर्स है आपका हृदय है। आपका हृदय अगर गलत है, आप परमेश्वर से चीजों को प्राप्त करने के लिए देरी लग जाएगा, आप प्राप्त करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। कितने लोग सुन रहे मेरे बात? बहन लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अगर आपके हृदय आप संभाल के रखा है, परमेश्वर से चीजों को पाने के लिए जल्दबाज से हो जाएगा। जल्दबाज, जल्दी हो सकता है। परमेश्वर आपको चीजों को यूं ही दे सकता है। इज़राइल 18 लाख लोग को मिस्र से बाहर निकाला। 40 दिन का रास्ता था प्रतिज्ञा के देश में, लेकिन लगा 40 साल। कितना साल? 40 साल। कितना साल? 40 साल। क्यों? हृदय को संभाला नहीं। गलत चीज हृदय में आ गया, जिस चीज से बाहर निकाला था। आमीन। मिस्र देश से बाहर निकाला था, वो मिस्र देश उनके अंदर आ गया। और जो परमेश्वर उन्हें देना चाह रहा है वो पा नहीं पा रहा था। ओके, मरकुस 7:14। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर, हृदय की रक्षा के लिए हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे, क्योंकि वो मूल्य श्रुत है। यू नो दैट्स अ रियल सोर्स ऑफ योर लाइफ। वो सच्ची स्रोत है आपके जीवन का। आमीन। वो मूल्य स्रोत है। आपका हृदय अगर सही है, अगर आज आप खाली है, कल आप भर जाएंगे। ओके, आगे। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो। यीशु बोल रहा है, तुम सब मेरी सुनो और समझो, और समझो, क्योंकि जब तू सुनेगा तो समझेगा। यू नो, सुनना आपको समझ देगा, आपको रोशनी देगा, आपको सही रास्ते पे चलाएगा। जब आप सही चीजों को सुनेगा, आप सही रास्ते पे चलने लग जाएंगे। आमीन। इसलिए बाइबल कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद कर देगा। यू नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ओके, मरकुस 7:15, जल्दी से जाएंगे। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य में बाहर से समाकर, जो मनुष्य के बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, उसे अशुद्ध करे। परंतु जो वस्तुएं, जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है, वही उसे अशुद्ध करती है। भीतर से जो निकलती है यानी हृदय से जो निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। बाहर से जो अंदर आता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता। जो अंदर से बाहर निकलता है वो उसे अशुद्ध करता है। कितने लोग सुन रहे हैं? Yes. बाहर से जो अंदर आता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता, अंदर से जो बाहर जाता है वो उसे अशुद्ध करता है। इसलिए बाइबल आपको पहले बार नीति वचन में बड़ा गंभीरता से बोल रहा है, सबसे ज्यादा इसकी चौकसी करो, आपके हृदय की रक्षा करो, क्योंकि मूल्य स्रोत उसी से है, उसी से निकलता है। ओके, आगे। मरकुस 7:16। यदि किसी के सुनने के कान हो, यदि किसी की सुनने की कान हो तो सुन ले, तो सुन ले। कितनों को सुनने की कान है? कितने लोग सुनने के कान से भी बोलता है? ओके, 7:17, जल्दी से। मरकुस 7:17। जब वो भीड़ के पास से घर में आया, तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। तो यीशु से अपने चेले पूछ रहा है इस दृष्टांत के विषय में, तू जो बोला समझा, तो उसे समझाता है। देखिए आगे पढ़ेंगे जल्दी से। मरकुस 7:18। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो?
क्या तुम नहीं समझते? क्या तुम नहीं समझते जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है, जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर में जाता है, यानी खाने की बात हो रहा हूँ, वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। ओके, आगे मरकुस 7:19। हाँ, क्योंकि वो उसके हृदय में नहीं, क्योंकि वो जो बाहर से जो खाना आप खाते हैं वो हृदय में नहीं जाता, परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है, और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। हालेलुया। यह कहकर उसने, यीशु ने सब भोजन को क्या करा? शुद्ध ठहराया। कोई कोई आलू नहीं खा सकता है, कोई कोई प्याज नहीं खा सकता है, कोई कोई सोमवार को प्याज नहीं खाना है, मंगलवार को आलू खाना है। जो बाहर से आपके अंदर जाता है वो आप अशुद्ध नहीं करता है। आगे मरकुस 7:20। फिर उसने उनसे कहा, यीशु अपने चेलों से कह रहा है, जो मनुष्य में से निकलता है मनुष्य के अंदर से निकलता है, मनुष्य के हृदय से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वाह, अंदर से आपको अशुद्ध कर देता है। अंदर से जो निकलता है वो आपको अशुद्ध कर देता है। ओके, आप देखेंगे क्या क्या अशुद्ध करता है। मरकुस 7:21। हाँ, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के हृदय से बुरे बुरे विचार व्यभिचार, चोरी हत्या, पर स्त्री गमन। मरकुस 7:22। हाँ, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान। कितने लोग निंदा करते हैं किसी का? ओके, अभिमान और मूर्खता निकलती है, हृदय से निकलती है। आगे मरकुस 7:23। हाँ, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। वाह। हालेलुया। प्रेज जी, ये परिवार जो है, ये पति पत्नी करीबन 2 महीने से यहाँ पर आ रहे हैं और बता रहे कि ये जो भाई है, इनके पति, ये बता रहे कि शुरुआत में इनको मतलब कई महीनों से इनको तकलीफ चालू हुई थी। तकलीफ ये थी कि इनको अचानक चक्कर आता था और उनका बैलेंस ज़्यादा था और ये ऐसे 10 मिनट खड़े भी नहीं हो पाते थे और जब बैठेंगे तो उठ नहीं पाते थे। तो ऐसे में डॉक्टर के पास गए चेक कराने के लिए। तो बड़े डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने उनका एमआरआई किया, सीटी स्कैन किया। तो एमआरआई में पता चला प्रेरित जी कि इनके गर्दन की जो नस है वो दब चुकी है, वो ब्लॉक हो चुकी है। उसके वजह से उनका जो खाना खाते उसका खून ऊपर पहुँचता नहीं था और साथ ही में उनके कमर की रीढ़ की हड्डी में भी गैप हुआ था। उसके वजह से कई महीनों से तकलीफ सहन कर रहे थे और फिर उन्होंने कई सारे डॉक्टर के पास गए, प्राइवेट डॉक्टर के पास गए। उन्होंने बोला कि 4 लाख खर्चा आपको करना पड़ेगा, 4 लाख। तो प्रेरित जी जब ये हॉस्पिटल में गए चेक कराने के लिए तो पता चला कि इनके गर्दन की नस ब्लॉक हो चुकी है। उसके वजह से जो खाना तो खाते हैं लेकिन वो खून ऊपर पहुँच नहीं पा रहा था, साथ ही में उनके रीढ़ की हड्डी में भी गैप हुआ था और इससे में इनके पास पैसे भी नहीं कि इलाज कराने के लिए। डॉक्टर ने 4 लाख मांगा था, 4 लाख प्राइवेट डॉक्टर ने, लेकिन इनके पास पैसा नहीं था, इसीलिए सरकारी के पास गए। तो सरकारी डॉक्टर बोले कि हम इनका रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि इनका मुंह जो है इतना मतलब पूरा खुलता नहीं था, क्योंकि मशीन डालकर वो पाइप डालकर चेक करने के लिए कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो इनका इलाज भी नहीं हो पाता। कोई बोलते थे कि हम इनका रिस्क नहीं ले सकते। इसके लिए वो कई सारे संस्था के पास गए, कई सारे डॉक्टर के पास गए, सभी जगह से इनको निराशा मिली। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, आमेन। तो किसी ने इनको बताया, अपने प्रार्थना में एक भाई बहन आते हैं, अपना अभिषेक का तेल उन्होंने पिलाया और पानी पिलाने के बाद उनको 10 मिनट के बाद तुरंत अच्छा लगने लगा। तो लेकिन ये बहन बोली कि अभी तू यहाँ वहीं पर जा। तो इससे पहले बहन को पति को बोलती थी कि अभी तेरे को बीमार ऐसी हुई, कोई तुझे ठीक नहीं कर पा रहा, चाहे तो तू मर सकता है, जिंदा रह सकता है, अभी सब ऊपर वाली की मर्जी। और ये भाई भी बोलते थे मरूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीने की आशा पूरी छोड़ दी थी, उनको आशा नहीं थी जीने के लिए। लेकिन किसी ने अपना आपका जो प्रार्थना के बाद पानी उनको पिलाया, 10 मिनट के बाद उनको अच्छा लगने लगा। तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं प्रार्थना में जाऊंगा। और ये बहन बता दे कि इनको प्रार्थना में जब कैसे लेकर आए, पूरा पकड़ के लेकर आए, ऐसा खड़े नहीं हो पाते थे, ऐसा खड़ा नहीं हो सकता था, खड़े हो ही नहीं पाते थे, 10 मिनट तक खड़े हो ही नहीं पाते, चल भी नहीं पा रहे थे, ना उठ पा रहे थे, ना चल पा रहे थे, ना खड़े हो पा रहे थे। तो उन्होंने 2 जन को ऐसा पकड़ के लेकर आए
और जब ये बहन आई नहीं थी, इनको किसी ने पकड़ के लेकर आए, तो जब प्रार्थना खत्म होने के बाद ये भाई खुद चल के अपने घर पे गए। तो ये बहन बोली, ये कैसे चमत्कार हो गया, 10 मिनट खड़ा ना रहने वाला व्यक्ति हमें, जो किसी के सहारे चल नहीं पाता था, आज खुद कई सारे किलोमीटर पार करके खुद चलकर आया। ये उनको मतलब संभव, इनको विश्वास ही नहीं हो पड़ता। इसके लिए बहन भी इनके चमत्कार के तौर भी कलीसिया में आने लगी। आज कई सारे महीने हो गए जो भाई 10 मिनट खड़ा नहीं रहने वाले व्यक्ति आज कई घंटों खड़े रहते हैं। हमें चलते पूरी तौर से प्रभु यीशु ने बिना ऑपरेशन के चंदा के सबसे मुख्य बात प्रे जी के परिवार आज आपके वजह से यहाँ पर सही सलामत है, क्योंकि इन्होंने हार ही मान लिया था कि जिंदा रहने का ही नहीं, अभी मतलब मरने वाले, किसी को अंदाजा ही नहीं है कि यहाँ पर क्या चमत्कार होते हैं। तो किसी ने बताया कि यहाँ पर चमत्कार होते हैं, आमेन। तो ये परिवार जब यहाँ पर आए हैं, आमेन, तो इनको पता चला कि जिंदा खुदा यहाँ पर चमत्कार करते हैं आपके द्वारा, और उस खुदा ने आपके प्रार्थना के द्वारा इनको आज सही सलामत रखा है। इन्होंने आज तक अभी कोई ऑपरेशन किया नहीं है, आमेन। अभी ये बिल्कुल चलते फिरते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, पूरी तौर से भले चंगे हो गए आपके प्रार्थना के द्वारा। इसके लिए ये परिवार आपको धन्यवाद देते हैं। वाह वाह वाह, थैंक यू लॉर्ड। भाई चलो चल के बताओ, दौड़ो 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 दौड़ दौड़ के बताओ। आजाद हो गया, आपका नस सब सही हो गया। हालेलुया, प्रभु ने आपको आजाद कर दिया। हालेलुया, प्रभु की शांति में जाओ। हालेलुया।